हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। तो आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ टाटा नेक्सोन एक्सएम 2023 वेरिएंट, जो कि ये पेट्रोल गाड़ी है। तो आप इसका फ्रंट प्रोफाइल देख सकते हैं। फ्रंट हेडलाइट में अगर आप नज़र डालें तो आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट की सेटअप मिल जाती है, और इधर साइड में आपको हाइलोजन की सेटअप मिल जाती है, और LED DRL भी मिल जाती है। मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। देख सकते हैं इसकी LED DRL और प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। इसमें आपको ऑटोमेटिक ORBM मिल जाता है। एक सेकंड मैं दिखा देता हूँ। और नीचे में अगर मैं बात करूँ तो आपको देख सकते हैं फॉग लैंप्स नहीं मिली है, आपको आफ्टर मार्केट इसमें लगवानी पड़ेगी। और यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिशिंग की काम की गई है। और इस साइड में आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाती है हैलोजन बल्ब वाली, और यहाँ पे आपको क्रोम फिनिशिंग मिल जाती है। देख सकते हैं इस साइड से उस साइड तक, और यहाँ पे टाटा की लोगो मिल जाती है पियानो ब्लैक फिनिशिंग फ्रंट में। और नीचे में आपको ये डिजाइन मिल जाती है, और इस साइड में भी आपको कुछ इसी टाइप में प्रोजेक्टर हेडलैम्प की सेटअप, DRL, और नीचे आपको फॉग लैंप्स नहीं मिलती है। तो चलिए मैं आपको एक बार दूर से दिखा देता हूँ। तो ये इसकी कुछ कंप्लीट व्यू, काफ़ी बोल्ड और अट्रैक्टिव लगती है गाड़ी देखने में। ये आप खुद देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पे। और अगर मैं इसके इंजन की बात करूँ तो इसमें आपको 1199 cc की 3 सिलेंडर इंजन आपको मिल जाती है। मैक्स पावर 118 bhp ये गाड़ी जनरेट करती है 5500 rpm पे, और टॉर्क 170 Nm। और अगर मैं इसकी एक्सोरूम कीमत की बात करूँ हमारे झारखंड में, तो 8,79,900 रुपये इसकी एक्स शोरूम कीमत है, और ऑन रोड आपको पड़ेगी 10,03,000। और अगर मैं इसकी सेफ्टी की बात करूं तो ये 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग ग्लोबल एंड कैप में अचीव कर चुकी है ये गाड़ी। और इसमें आपको मिल जाती है 2 एयरबैग्स, ABS ब्रेक असिस्ट, सेंटर लॉकिंग, सीट बेल्ट, साइड इंपैक्ट बीम्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, इंजन चेक वार्निंग लाइट, EBD, इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, स्पीड अलर्ट, हील असिस्ट, ये सारी कुछ आपको सेफ्टी में मिल जाती है। और अगर मैं इसकी ब्रेक की बात करूँ तो फ्रंट में आपको मिल जाती है डिस्क, और रेयर में मिल जाएगी ड्रम। तो ये इसके कुछ फ्रंट। तो अब चलते हैं साइड प्रोफाइल की ओर। तो साइड प्रोफाइल में अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करूँ तो डायमेंशन मिल जाती है 3993 mm की, और विड्थ मिल जाएगी 1811 mm की, और हाइट मिल जाती है आपको 1606 mm की, और ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है 209 mm की। फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 44 लीटर की, और टायर साइज आपको मिल जाती है 195/60R16 की इसकी टायर साइज मिल जाती है। और यहाँ पे व्हील कैप मिल जाएगी आपको सिल्वर फिनिशिंग में स्टील व्हील के साथ, और फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम मिल जाएगी। और अगर आप टॉप मॉडल लेना चाहेंगे तो टॉप मॉडल में आपको अलॉय व्हील भी कंपनी प्रोवाइड कर देती है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस आप देख सकते हैं 209 mm की है, और यहाँ पे कुछ ब्लैक फिनिशिंग की डिजाइन दी गई है, और ये ब्लैक टाइप में यहाँ पे LED टर्न इंडिकेटर मिल जाती है ORBM पे ही। और यहाँ पे वाइट देख सकते हैं, पीछे तक लाइनिंग गई हुई है, काफ़ी अच्छी लग रही है गाड़ी देखने में। और यहाँ पे डोर हैंडल देख सकते हैं ब्लैक फिनिशिंग मिल जाती है, और ये इसकी ए पिलर मैट फिनिशिंग में, और बी पिलर भी आपको मैट फिनिशिंग में मिल जाती है, और ऊपर आपको मिल जाएगी रूफ रेल, और पीछे मिल जाती है एंटीना। 44 लीटर की इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है जैसे कि मैं आपको बताया था। और ये इसके कुछ रेयर प्रोफाइल में आपको ऊपर स्पॉइलर मिल जाती है, और हाई माउंट स्टॉप लैंप्स जो कि LED है, और इसकी टेल लाइट भी आपको LED मिल जाएगी देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको वाइट फिनिशिंग मिल जाती है, टाटा की लोगो मिल जाती है क्रोम फिनिशिंग में, नेक्सॉन की बैजिंग मिल जाती है। इसमें आपको पीछे कैमरा वगैरह नहीं मिलती है, सेंसर मिल जाएगी आपको, और यहाँ पे आपको एक रिफ्लेक्टर लाइट मिल जाती है, और एक उधर। और अगर मैं इसकी बूट स्पेस की बात करूं तो 350 लीटर 350 लीटर की इसकी बूट स्पेस है।
और इसमें यहाँ पे डिफॉगर नहीं मिली हुई है। तो चलिए मैं एक बार आपको ओपन करके दिखा देता हूँ इसकी स्पेस। तो ये आप देख सकते हैं इसकी 350 लीटर की बूट स्पेस। यहाँ पे आपको एक हुक टाइप में मिल जाती है और यहाँ पे लाइट्स मिल जाएगी येलो कलर में, और यहाँ पे पार्सल ट्रे भी है बट अभी नहीं लगी हुई है। और यहाँ पे आपको टायर मोबिलिटी किट मिल जाती है, इसका नाम है इमरजेंसी ट्रायंगल। और इसके नीचे आपको स्टेपनी मिल जाती है और ये जैक वगैरह टूल्स वगैरह सारा कुछ मिल जाएगी। और इसकी टायर साइज में एक सेकेंड 195/60R16 की इसकी टायर साइज मिल जाती है, मतलब 16 इंच की भी आपको स्टील व्हील भी स्टेपनी में भी मिल जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोलिक टाइप में मिल जाती है ताकि खुद से ही ऑटोमेटिक ऊपर उठ जाए डिक्की। अब मैं बंद कर देता हूँ। फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपको ऑल फोर पावर विंडो की कंट्रोल्स मिल जाती है, ऑटोमेटिक ग्लास अप डाउन की इधर बटन मिल जाएगी, और ये ग्लास लॉक अनलॉक की बटन मिल जाएगी। यहाँ ब्लैक फिनिशिंग मिल जाती है और यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिशिंग टाइप में मिल जा रही है, और छोटा सा स्टोरेज मिल जा रही है। और इसके नीचे आपको अम्ब्रेला होल्डर मिल जाती है, और यहाँ पे स्टोरेज बॉटल होल्डर अनलॉक करने की, यहाँ पे हैंडल लॉक करने की ये बटन, और ये ORBM की कंट्रोल्स, और ये ट्वीटर, और नीचे में आपको स्पीकर मिल जाती है। तो ये इसकी ड्राइवर डोर। और अगर मैं इसकी की बात करूँ तो आपको फ्लिप की मिल जाती है, ये आप देख पा रहे होंगे, और इसमें आपको लॉक अनलॉक की बटन और फॉलो मी हेडलैम्प्स की बटन मिल जाती है, और ये एक नॉर्मल की मिल जाती है, और यहाँ पे टाटा की लोगो। तो इसको यहाँ पे रख देते हैं। और ये है इसकी कुछ स्टेयरिंग, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिशिंग मिल जाती है और टाटा की क्रोम फिनिशिंग में लोगो मिल जाएगी। और इधर कोई भी आपको कंट्रोल्स वगैरह नहीं मिलती है, और यहाँ पे कुछ फिनिशिंग, और काफ़ी कंफर्टेबल स्टेयरिंग है, पकड़ने में कंफर्टेबल फील हो रही है। और लेफ्ट साइड में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपको मिल जाती है वाइपर्स की कंट्रोल्स, और राइट साइड में हेडलाइट्स की कंट्रोल्स, और ये इसके डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो कि बिल्कुल डिजिटल है। मैं आपको एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ इसकी मीटर। देख सकते हैं डिजिटल है, और यहाँ पे आपको स्पीड की बिल मिल जाएगी और लो फ्यूल। और इसमें आपको फ्रेंड्स तीन मोड्स मिल जाती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सिटी, इकोनॉमी और स्पोर्ट, ये आपको तीन मोड मिल जाती है। और इधर आपको RPM शो करेगी, इधर फ्यूल शो करेगी, बहुत सारी फीचर्स है, अगर मैं इसके बारे में बताऊँ तो वीडियो लंबा हो जाएगी। और इस साइड में आपको एक छोटा सा MID मिल जाती है जिसमें आपको ब्लूटूथ वगैरह का शो करेगी, और FM, ये सब सारी कुछ, और फ़ोन में कितनी बैटरी है ये सारा कुछ, अगर इससे अगर लिंक है मतलब ब्लूटूथ से तो शो करेगी बैटरी वगैरह। और यहाँ पे मिल जाती है दो AC वेंट्स, साथ में यहाँ क्रोम फिनिशिंग मिल जाती है, और ये हज़ार लाइट की बटन मिल जाएगी, पियानो ब्लैक फिनिशिंग की काम की गई है, और ये ग्रे कलर में यहाँ पे मिल जाती है। और यहाँ पे कुछ बटन्स मिल जाती है बहुत सारी, जो कि म्यूजिक सिस्टम की कंट्रोलिंग बटन है ये सब। और इसके नीचे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं AC की कंट्रोल्स मिल जाएगी, जो कि ये मैनुअल AC की कंट्रोल्स है। और यहाँ पे भी आपको देख सकते हैं बूट ओपन करने के लिए बटन मिल जाती है, और यहाँ पे काफ़ी प्यारी लगती है देखने में, बड़ा सा एकदम फील देगी। और ये इसकी 6-speed मैनुअल गियर ट्रांसमिशन, ये ऐसे प्रेस करके इस टाइप में गियर इसकी रिवर्स लगती है। और ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे दो कप होल्डर यहाँ पे मिल जाती है, और ये इसकी हैंड ब्रेक यहाँ पे मिल जाएगी, और कुछ ऐसी है इसकी यहाँ पे स्टोरेज मिल जाती है, काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट और USB पॉइंट, और इसी में स्टोरेज, और यहाँ पे आपको मिल जाती है ORBM, और ये LED केबिन लाइट्स मिल जाएगी देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ स्पेस दी गई है, और ये वॉइस कॉन, ये वॉइस रिकॉग्निशन है। और इस साइड अगर मैं बात करूँ सनवाइजर की, तो यहाँ पे मिरर मिल जाती है, एयरबैग की बैजिंग मिल जाती है, इस साइड में आपको नहीं मिलती है।
तो ये इसके कुछ कंप्लीट व्यूज़ देख पा रहे होंगे। और ये इसकी ग्लव बॉक्स, ग्लव बॉक्स में आपको मैनुअल बुक्स, फर्स्ट एड किट वगैरह ये सब आपको मिल जाता है। और यहाँ पे टाइगर का देख सकते हैं लोगो चिपकाया गया है। और इसमें दो एयरबैग्स आपको मिल जाएगा। और इस साइड भी आपको यहाँ पे पावर विंडो की कंट्रोल्स मिल जाएगी, और बॉटल होल्डर और अम्ब्रेला होल्डर, स्पीकर, ये सारी कुछ आपको मिल जाती है। और यहाँ पे एक पकड़ने के लिए ताकि ये स्टेबल रहे। और अगर इसकी सीट के बारे में मैं बात करूँ तो इसमें आपको फैब्रिक फिनिशिंग में सीट मिल जाती है, कंफर्टेबल सीट देख सकते हैं। और इसमें एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट मिल जाएगी, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर पाएंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं हुक भी मिला हुआ है, अच्छा बात है। और ये इसकी सीट बेल्ट, चलता हूँ मैं इसकी रेयर रो में। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पावर विंडो की कंट्रोल्स मिल जाएगी। और यहाँ पे स्टोरेज छोटा सा, और अनलॉक करने की हैंडल रेडर, और ये हैंडरेस्ट, और ये ग्रे फिनिशिंग में दी गई है। और यहाँ पे बॉटल होल्डर मिल जाएगा, और स्पीकर, और ये इसके कुछ सीट फैब्रिक फिनिशिंग में सीट है देख सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक चाइल्ड लॉक। तो मेरी हाइट है 5 फीट 10 इंच, तो चलिए मैं एक बार बैठ करके दिखाता हूँ इसकी कंफर्टेबल है या नहीं। तो देख सकते हैं लेग स्पेस काफ़ी ज़्यादा बची हुई है, मैं आराम से भी बैठा हूँ एकदम पैर को फैला करके। तो इसकी कंफर्टेबल तो मुझे लगी सीट, पुशिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे आपको पीछे में एसी वेंट्स नहीं मिलती है रेयर पैसेंजर के लिए, और यहाँ पे लेकिन स्टोरेज मिल जाएगी आपको। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आपको पार्सल ट्रे भी मिल जाएगा, बट है नहीं इसमें भी लगा हुआ, लेकिन मिल जाएगा। और यहाँ पे एक लाइट्स मिल जाती है। तो ये मैं आपको बूट स्पेस की ओर जाऊँगा पीछे तब बताऊँगा। और ये इसके कुछ रेयर डोर, और यहाँ पे ये हैंडल, और ये इसकी कंप्लीट व्यू आप देख पा रहे होंगे।